तमाम अन्यवारे मंत्रीगण, गुलाब सिंह कटारिया जी, राजेंद्र राठौर जी, गोंदोत्सा जी, सुभाष गर्ग जी, पुखराज जी, अमराराम जी, बलराम बलवान पुनिया जी, राम प्रसाद जी बीटीपी, राम भाई जैठक, राजकुमारी गौड, समलोड़ा जी, डीके चंगानी साहब, दंदाचार्य जी, तमाम हमारे धर्म गुरुगण और जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे जिलों के अधिकारीगण, प्रदेशवासियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज तमाम साथियों से हम लोग चर्चा की, पक्ष विपक्ष के साथियों से भी, धर्म गुरुओं से भी, एक्टिविस्ट से भी, एनजीओ से भी, और सब ने एक से एक बढ़ के सुझाव दिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि जब कोरोना शुरू हुआ था 2020 के अंदर, तब भी यही अप्रोच रखी गई थी सरकार की तरफ से, और उसका लाभ मिला राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान की जनता भी इन्वॉल्व हो गई, पूरे प्रदेशवासी इन्वॉल्व हो गए थे उस कैंपेन के अंदर। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो मुझे कहते घर है, चाहे जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधायकगण थे, एनजीओ थे, एक्टिविस्ट थे, धर्मगुरु थे, किसी ने कमी नहीं रखी एक दूसरे की इमदाद करने में, मदद करने के अंदर। वो तारीफ काबिल था, माहौल देखने लायक था, और पूरे देश ने उसको इस बात का एहसास भी किया। भीलवाड़ा एक मॉडल बन गया, हमने नहीं बनाया, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब देखा कि भीलवाड़ा के प्रशासन ने बॉर्डर सील कर दिया, घर घर ट्रेसिंग करी, अस्पताल को वार्निंग दे दी, क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, और ऐसा माहौल बना दिया कि आगे वो बढ़ नहीं पाया, रुक गया, फिर रामगंज का मॉडल बन गया। तो उन्होंने कहा मीडिया वालों को दिल्ली में कि एक भीलवाड़ा अपना एक मॉडल बन गया है, वो मॉडल आज देश में काम आ रहा, दुनिया में काम आ रहा है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि सबने साथ दिया उस वक्त में। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मेरे बारे में अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरी जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूं, पर मैं एक निमित्त मात्र हूं। असली तो हमारे योद्धा, या तो हमारे फ्रंटलाइनर जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे उनके अन्य स्टाफ के लोग हों, सरकारी व गैर सरकारी, सभी लोगों ने उस वक्त में अपना आपको प्रतिबद्ध कर लिया था। बल्कि पुलिस कांस्टेबल तक ने खाने पहुंचाने का काम किया। आपको याद होगा पहले लहर में लोग ज्यादा घबराए हुए थे, पता नहीं महामारी किस हद तक पहुंचेगी, हम खुद जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। उस माहौल के अंदर खाना पहुंचाना ही बड़ी बात थी, अस्पताल में सेवा करने की बड़ी बात थी, रूम में जाना बड़ी बात थी, आईसीयू का हो या वार्ड हो, वार्ड में जाना ही बड़ी चिंता वाली बात थी। और कई डॉक्टर्स नहीं गए उस वक्त में भी, इतने कोई दोहराया नहीं, सब घबराए हुए थे, तब भी लोगों ने जिन्होंने काम किया उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और बात लागू होती है जिन्होंने एनजीओ ने काम किया हो, धर्मगुरुओं ने खाना खिलाया हो, सूख की सामग्री भेजी हो। हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी करीब 35 लाख लोगों को डीबीटी किए, डायरेक्ट बैंकों में उसके पैसा भेजा हम लोगों ने बार बार, फिर 5,500 रुपये भेजा हमने 5 किस्तों के अंदर। तो इस प्रकार सरकार ने तो किया ही किया, वो तो उनका फर्ज है, परंतु आप लोगों ने जो किया उसको कैसे भूल सकते हैं। पूरी मशीनरी राजस्थान की किसी कोने में बैठी हुई हो, कोई विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कोई विभाग हो, सबने अपनी भूमिका अदा करी, आम जनता इन्वॉल्व हो गई। वही कारण था राजस्थान के अंदर मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था हुई, अभी आप सब लोगों ने जिस रूप में उसका अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब जो बात आती है कि आज जो आपके सुझाव आए हैं, SOP जारी करने के बाद में ये हमने तय किया कि आप लोगों की राय से फैसले करेंगे।
मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं आपका आभारी हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल हमने रात को तय किया और आज आप सब लोग इकट्ठे भी हो गए, मौजूद रहे और खुल के अपनी बातें कही। आप सब की सुझावों का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि कोई तरह से थोपने की बात ही नहीं है, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे मंदिरों की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, चर्च की बात हो। प्रबंधन आपको करना है, आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हो वो बता देना, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ये कोरोना जो है, पहले लहर का कोरोना अलग था, जहाँ ज्यादा चिंता थी लोगों को, सब में दूसरी लहर का कोरोना आया वो उसका मिजाज अलग बन गया था, किसी को नहीं मालूम पड़ा, दुनिया में नहीं मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान में कोरोना दूसरी ढंग का आ गया है। इसीलिए हाहाकार मर गया देश के अंदर, ऑक्सीजन का, दवाइयों का, व्यवस्थाओं का। आपने देखा होगा कि ऐसा माहौल तो दुनिया में किसी मुल्क में बना है, और ढंग का बना था, पर ऑक्सीजन की कमी मिले, दवाइयां नहीं मिले। हमने तो चार्टर प्लेन भेज के बॉम्बे से दवाई मंगाई, एक दिन देरी नहीं होनी चाहिए, एक दिन देरी में कोई मर नहीं जाए, इतना ध्यान रखा, पर ऐसा माहौल कहीं नहीं बना। वो चिंता में सता रही थी और बाद में मालूम पड़ा यूके गवर्नमेंट को लंदन में कि भारत में जो कोरोना आया है, मैं उसका नाम तो भूल गया, डेल्टा बाद में नाम रखा गया उसका, तो बाद में उसका नाम डेल्टा रखा गया, वो रखा WHO ने कि भाई किसी मुल्क के नाम के साथ मत जोड़ो किसी वेरिएंट को, मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तो उसका नाम डेल्टा रखा गया। पहले अल्फा था, फिर डेल्टा आ गया। तो ये जो है, तब मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान में जो आतंक मचाया जिसने, वो डेल्टा नाम का नया वेरिएंट है, वो खतरनाक है, उसने तबाही मचा दी। कितने 4-5 लाख लोगों को मरना कोई मामूली बात थोड़ी है देश के लिए। हमारे यहाँ करीब 8,000 के लोग, 8-5 लोग मर गए। उसका नाम था B.1.617, बाद में उसका नाम रखा गया डेल्टा रखा गया। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के हालात में अपन ने इज्जत बचाई है, राजस्थान की इज्जत बचाई है, क्योंकि कई जगह तो ऑक्सीजन 1 घंटे की है, आधे घंटे की बची है, जल्दी मंगाओ। आने के लोग मर गए कर्नाटका के अंदर, नोएडा के अंदर, कई जगह स्थिति बनी ऐसी। फॉर्चुनेटली हम लोगों ने रात दिन एक किए, जहाज व्यवस्था करनी थी, व्यक्तिगत भी प्रभाव काम में लिया, भारत सरकार के पास में 3 मंत्री हमारे गए राजस्थान के, अमित शाह जी ने, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हेल्थ मंत्री जी ने बात की उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मैंने बात प्रधानमंत्री से करी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से करी, अजीत डोवाल से करी, स्वास्थ्य मंत्री से करी, गृह मंत्री से करी, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। इतना दबाव बनाया जिससे कम से कम ऑक्सीजन की सप्लाई में राजस्थान में तकलीफ नहीं आए। दवाइयों की सप्लाई भी आपको ब्लैक में मिली, दवाइयां दिल्ली में और कई जगह तो 1-1 लाख में जो दवाइयां फ्री दे रहे थे राजस्थान को। हमारे यहाँ राजस्थान में सीटी स्कैन फ्री, आपके 10,000 के इंजेक्शन फ्री, रेमडेसिविर के 40,000 के इंजेक्शन फ्री, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, टॉसिलिज़ुमैब। हाँ, आपका नाम तो आप डॉक्टर लोग ही बोल सकते हैं उसको तो। तो ऐसे नाम थे 40,000 के इंजेक्शन, हमारे आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कालीजन शराब जी को, उनकी पत्नी को भी वो इंजेक्शन लगे, 40,000 वाले लगे, सबको फ्री किया और इतना अच्छी व्यवस्था करी कि यूपी से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग यहाँ आके इलाज करवाए। चौधरी सिंह जी को भिजवाया यहाँ से, ठीक कह रहा आप, वहां मिल नहीं रहा था गुड़गांव के अंदर, मैदान तक कहने का मतलब कि, और डॉक्टर भंडारी ने और उनकी पूरी टीम ने कोई कमी नहीं रखी। रात को RUHS में, आप तो स्वास्थ्य मंत्री रहे राठौड़ साहब, RUHS में रात को 2-3 चार बजे तक डॉक्टर लोग
विजिट कर रहे हैं, रात भर विजिट कर रहे हैं कि भाई कोई वेंटिलेटर पे नहीं चला जाए, या गया हुआ है तो कैसे उसकी मॉनिटरिंग हो रही नहीं हो रही है। कहने का मतलब है कि बातें बहुत लंबी है, कोई कमी नहीं रखी सरकार ने, और उसी कारण से हम लोग बच पाए और राजस्थान वासियों को बचा पाए, और उसके लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। राजस्थान के बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आपने अच्छा इंतजाम किया, एक स्वर में कह रहे हैं लोग। इसलिए आज जो हमने कहा है कि एक तो वैक्सीनेशन की बात है, इसका मेन उपाय तो या तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस, ये जरूरी है, और उससे बड़ा है वैक्सीन। मास्क आपका, वैक्सीन अगर नहीं लगाई हुई है तो मास्क आपका काम करता है, वैक्सीन का काम करता है, पर वैक्सीन से ही आप सेफ हो सकते हो। मेरे दो वैक्सीन लगी हुई थी तो मैं सेफ हो गया। वैक्सीन में कम से कम मृत्यु नहीं हो रही है, 99%, 1% के मैं नहीं कह सकता, पर वैक्सीन से आदमी बच जाता है, मृत्यु से बच जाता है। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम कई हो रही लोगों को, पोस्ट में लोग मर रहे हैं, ये इतना खतरनाक वेरिएंट है कि कोविड होने के बाद में पोस्ट कोविड के अंदर भी क्योंकि हार्ट अटैक, क्योंकि अस्थमा, क्योंकि किडनी खराब, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होती है, ऊपर लगा के नीचे तक के अंगूठे तक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हो रही है लोगों को, लोग समझ भी नहीं रहे हैं। कोई मर गया तो देखता भाई कि यार पहले मर गया कोरोना में तो ये हार्ट अटैक हो गया, ये नहीं समझता कि हार्ट अटैक हुआ है कोरोना के कारण हुआ है, वो समझ नहीं पा रहे, गाँव के भी नहीं समझ पाते। स्थिति बड़ी नाजुक है और उसको हमें समझना पड़ेगा। अब बात रही है कि ओमिक्रॉन की, इस पर कोई जरा नहीं, दुनिया में 125 मुल्कों में जरा फैल चुका है धीरे धीरे, साउथ अफ्रीका में भी, अपन आप हम सब जो गवाह हैं, 7 मूल, 15 मूल, 25 मूल, 50 मूल करते करते अभी 125 से ज्यादा फैल चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी वैक्सीनेशन भी हो चुका है दुनिया के मुल्कों में, इसलिए वो इतना खतरनाक नहीं रहा। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपका सेकेंड वेव आई थी, डेल्टा वाली आई थी, उसमें संख्या ज्यादा थी, आप परसेंटेज में बात करो, पहले वेव में ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ना पड़ी जरूरत उसकी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। दूसरी वेव में अचानक ही जरूरत पड़ गई ऑक्सीजन की भी और वेंटिलेटर की, क्योंकि संख्या जो बढ़ी उसका परसेंटेज, चाहे वो 10% थे, 15% थे, उसके कारण से वो बेड तो भर गए। अब भी स्थिति है, वैसे कुछ नहीं होने वाला है, भगवान करे कुछ नहीं हो, और उसी ढंग से दुनिया सोच रही है और हो भी रहा है, दुनिया भर में पहुंच चुका है, लाखों लोग आ रहे हैं, यूके में, अमेरिका में 3-3 लाख लोग पढ़ रहे आए हैं, अभी 5 दिन पहले तो 5 लाख लोग आ गए एक दिन में। सब कुछ ठीक है, पर अगर विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इसकी मिजाज बदल सकता है, कब ये म्यूटेंट बदल जाए इसका ले ये, कब अपना ये इसका जो तरीका, जो म्यूटेंट होता है वेरिएंट का, अभी लोग कहने लगे ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलके नया वेरिएंट बनाएंगे, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हम अपनी तैयारी पूरी रखें जिससे कि कैसी भी स्थिति आए उसमें हमारे अगर संख्या ज्यादा होगी तो बेड भर जाएंगे आपके। हमारी तैयारी रहनी चाहिए कि मैक्सिमम तैयारी करके रखें। ये बातें तो हम जो कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा, वैक्सीनेशन तो जरूरी है, और मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। वो मैंने क्यों कहा था, कानून कहता है कि अगर आप संक्रमित हो, एक व्यक्ति, उसको नहीं मालूम मैं संक्रमित हो गया हूं, वो एसिम्टोमेटिक है, पर वो जितनी जगह जा रहा है वो फैला रहा है, और लोग फैला रहा है, अपने परिवार को फैला रहा है, ये उसको किसने अधिकार दिया कि तुम फैलाओ सबको। इतने जरूरी है कि हम ये कहें कि आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता आपको, वो मना करेगा तो फैलाएगा तो फैलता जाएगा, फिर तो एक कहावत बन गई दुनिया में, जब तक लास्ट व्यक्ति पूरी तरह संक्रमित होने से नहीं बचेगा तब तक तो पता नहीं वापस कब फैल जाए, उस वाली बात है।
तो ये इसलिए हम कहते हैं वैक्सीन लगाने के अभियान चलाएं, हम धर्म गुरुओं से, एक्टिविस्ट से, एनजीओ से, पॉलिटिकल पार्टी के सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपने अपने तरीके से आप वैक्सीन का अभियान चलवाएं। वैक्सीन में हम लोग चाहेंगे देश में सबसे आगे रहे, हम लोग अभी भी काफी अच्छा हमने मैनेज किया है, यहाँ पर हमारे अधिकारियों ने काफी अच्छी मेहनत करी है और उसको करना जरूरी है। दूसरा जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, अभी ये सीजन शादी विवाह का भी आ रहा है और आपके दूसरे जो समारोह चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां चल रही है, तो लोग हमसे पूछते हैं साहब आपकी रैलियां तो चल सकती है, मीटिंग आप कर सकते हो ना, आप हमें रोक रहे हो, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। अभी इलेक्शन कमीशन ने पूछा यूपी के लिए चुनाव के लिए, तो सबने कहा नहीं चुनाव तो होने ही चाहिए, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज अभी भी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 15 दिन के लिए कह दिया कि आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करनी पड़ेगी, अभी दोपहर को शाम को ऑर्डर आया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आप अभी आपने देख लिया प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरओ इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, 15-20 हो गया, 15-20 लोगों को एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन के अंदर। तो इन बातों को हमने जो बात आपके सामने रखी और आप सबने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, अच्छा अपने साथ दिलाया कि सरकार को पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे आप लोग, मैं धर्मगुरुओं का आभारी हूँ, एक्टिविस्ट का आभारी हूँ, उनके अपने जो अनुभव होते हैं कि बहुत वो अपना अपने हिसाब से पब्लिक के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उनके उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं, उनको मालूम है जनता की भावना क्या है। तो मैं क्या कविता जी हो, अरुणा जी हो, अन्य हमारे धर्म गुरु गेट पे खड़े रहे, अंदर जाते हुए उनको सैनिटाइज कर दे लिक्विड से, ये तमाम काम हम लोगों को सबको सोच समझ के करना पड़ेगा। हम इस भर से नहीं रह सकते कि साहब धार्मिक मेले भी हो रहे हैं, सब कुछ शादी ब्याह भी हो रहे हैं और कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो फिर अगर एक बार महाराष्ट्र की तरह भी हो गया, हम लोग दिल्ली में अभी फैल गया बहुत भयंकर, दिल्ली में तो तमाम वहाँ पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पंजाब में तो कह दिया कि हम तो सैलरी नहीं देंगे अगर कर्मचारियों ने लगाया वैक्सीन तो सैलरी नहीं मिलेगी, बाहर अलाउ नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर, दुकानों पे, तो सब राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कर रही है, प्रोटोकॉल निभा रही है और वो फैसले कर रही है। हम तो चाहेंगे भारत सरकार, क्योंकि बराबर कॉन्टेक्ट में है चीफ सेक्रेटरी के भी, हेल्थ सेक्रेटरी के भी, होम सेक्रेटरी के भी, तो मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार खुद प्रोटोकॉल बना पड़ेगा, एक तो करना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा आपके ऊपर छोड़ देते हैं और भी अच्छा रहेगा। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, राजेंद्र राठौड़ जी बैठे हुए हैं, कि हमने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र सबसे पहले मैंने खुद ने लिखा ऐसी बीची करके, आप तो मौजूद थे उस दिन, कि बूस्टर डोज लगाना शुरू करो। मैंने डॉक्टर पाल जो है नीति आयोग के मेंबर जो इंचार्ज इस के वैक्सीन के, उनके मैं लगातार टच में था, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी तो वो कहने लगे पहले सेकंड वैक्सीन लगने के बाद में फिर हम सोचेंगे। तब भी मैंने एक बार मीडिया को कहा था कि नहीं ये गलत अप्रोच है, आप जो बच्चे हैं उनको भी और बुजुर्गों को भी, या बुजुर्गों नहीं सबको ही, क्योंकि 6 महीने बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो आप सबको बूस्टर डोज लगाने का प्लान करवाएं। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया बूस्टर डोज का भी, हालांकि उन्होंने राइडर लगा दिया है 60+ का, बीमारों का राइडर भी खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, अल्टीमेटली आपको बूस्टर डोज लगाने की तैयारी हमारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन ही आपको बचाएगा। WHO ने जो 3 दिन पहले कहा है बूस्टर बूस्टर बूस्टर, 3 बार बूस्टर लिखा उन्होंने, WHO कह रहा है सुनामी आएगी इसकी ओमिक्रॉन की, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। अब WHO की एक अलग क्रेडिबिलिटी रही है देश के अंदर, अब वो कह रहा है कि तो सुनामी आएगी,
15-20 दिन पहले हमने सुना होगा वो यूरोप के लिए कह रहा कि लाखों लोग मरेंगे, पता नहीं फोरन भूल गया 5 लाख थे या 4 लाख थे। अगर WHO ये बातें बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, मेरी तो कुछ मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर ये उनके पास कोई प्रूफ होंगे या तो या एस्टिमेट होगा उनका, साइंटिस्ट कह रहे होंगे उनके। पर ये स्थिति ऐसी है कि हम लोगों को राजस्थान को, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, तमाम जो हमारे लोग साथी बैठे हुए कलेक्टर साहबान, CMHO, अन्य अधिकारी, कि जो अभी बातें हुई आपके सामने, आपके वहां सब जगह बैठे होंगे एनजीओ वाले बैठे हैं साथी हमारे, क्योंकि राजस्थान में एनजीओ भी बढ़ चढ़ के एक से एक बढ़ के काम करने वाले लोग हैं। राजस्थान भर में धर्मगुरु अपना दायित्व निभाते हैं, धार्मिक स्थलों पर एक्टिविस्ट अपना काम करते हैं, और जैसे मैंने कहा प्रशासनिक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पुलिस कांस्टेबल ने कमी नहीं रखी। तो आप सोच सकते हो कि जब आप लोगों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और देश में नाम हुआ है, तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि अभी भी आप जो फैसले हो रहे हैं, अभी आज रात को SOP और जारी होगी, और उसी रूप में आप लोग सभी मिलकर के आप लोगों को चाहिए कि वही माहौल बनाए, एक दूसरे की इमदाद करें। अभी तकलीफ में लोग हैं, अभी गलता पीट के मैन जी कह रहे थे कई लोगों के काम धंधे बंद हो गए, ये बात ठीक है, कई डेस्टिट्यूट थे, हमने इमदाद करने की कोशिश भी करी, हम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हमने कोरोना को जोड़ दिया है चिरंजीव योजना के अंदर, ब्लैक फंगस आ गया राजस्थान के अंदर, ब्लैक फंगस राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, 2-4 राज्यों में आया था, उसके लिए भी हमने जोड़ दिया उस स्कीम के अंदर। तो सरकार की तरफ से तो सब योजना बन रही है, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग भी वैक्सीनेशन का अभियान चलवा में, डिस्टेंसिंग मास्क की जो है, पहले हमने बंटवाए थे लाखों करोड़ों मास्क बंटवाए थे नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से, मैंने फिर कहा है मिश्र देता को वो अलग कैंपेन चलाए, आप अपने अपने क्षेत्र में माइक लगा के आप लोगों को समझा सकते हो, क्योंकि मास्क लोग लगाना बंद कर दिया। मास्क जो पहले माहौल था लगाने का, तो पहले 70% लगाते थे, अब 90% नहीं लगा रहे, बल्कि 95% नहीं लगा रहे। तो मास्क लगाने का अभियान चले, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, जो उनका सिस्टम होता है, पुलिस की गाड़ियों माइक लगे हुए हैं, DG साहब को कह रखा है कि आप सब माइकों पे टोको, लोगों को टोकना शुरू करो, भाई मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने, जब लोग खड़े हैं तो टोके। हमारे वीरेंद्र सिंह जी कहते रहते हैं आपस में टोको एक दूसरे को, अगर कोई आम नागरिक भी देख रहा है कि मैं मास्क लगाया हूँ, सामने वाला मास्क लगाया नहीं है, उसको टोकना चाहिए भी आप मास्क क्यों नहीं लगाया। ये जब तक हम लोग वहां पर अभियान नहीं चलाएंगे तो ये फैलेगा बहुत तेज गति से फैल रहा, अभी भी देखा आपने, पिछले 10 दिन की फिगर देखे आपने, तो हम उसको टोकना शुरू करें, माइक से अनाउंसमेंट करना शुरू करें, मास्क के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवावें, शादी ब्याह में कोई प्रोग्राम में हमने छूट भी दी है मान लो उनको, तो अभी एक सुझाव ठीक आया था कि 2 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा लोग समझ जाएंगे कि कोई देख भे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस रूप में मैं समझता हूँ कि उसका एक फर्क पड़ेगा। तो चारों ओर से काम सबको बचाने का है, किसके परिवार कितने लोग चले गए आप बताइए, आपके हमारे मिलने वाले चले गए, हर परिवार की अलग कहानी है, क्या बीतती उस घर पे वो चला जाए कोरोना से, तो क्या बीत रही होगी, क्या बीती होगी, आप सोच सकते हैं। तो बचाने का काम कर रहे हैं हम लोग ये, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई कमी नहीं आने देंगे और हम सब मिलकर के इसको, इस जंग को जीतेंगे, ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए। उसी रूप में अभी भी मेरे पास आंकड़े आए कि महाराष्ट्र में आज 11,000 लोग आ गए हैं, 11,877, मुंबई में 8,000 लोग आ गए हैं, गुजरात में 968 आ गए हैं, केरल में 2,800, दिल्ली में 3,100, राजस्थान में 355, जयपुर में 224, खाली जयपुर में। इसीलिए कल हमने जयपुर की अलग विषय की थी, क्योंकि जयपुर राजधानी है और इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रेसिंग हो, ट्रैकिंग हो, और वहां पहुंचे हम लोग, और सरकार की तरफ से साधनों की कमी नहीं है। चाहे मैंने पहले भी कहा था
पूरा खजाना खोल दे हम लोग, हमें जनता की जान बचानी है। इस थीम से हम काम कर रहे हैं, पहले भी कमी नहीं आने दी इसमें कोरोना के मैनेजमेंट में, अब भी मेरी से पूरी छूट है अधिकारियों को, जो चाहे वो फैसला करे, ऑक्सीजन की करे, दवाइयों की करे, कुछ भी करे, लोग बचने चाहिए यहाँ पर। उस रूप में हम चाहते हैं कि पूरा अभियान चलाए हम लोग, और मास्क की बात हो, दवाइयों की बात हो, फ्री कर रखा राजस्थान के अंदर, वो आगे भी जारी रहेगा। यही बात कहता मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग सब पधारे, अच्छे सुझाव दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक टीम आगे लगातार, जब जब भी आप महसूस करेंगे, हम महसूस करेंगे, बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप महसूस करो तो आप सुझाव दे सकते हैं, हमारे मंत्री जी को दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, हम लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला करके विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं सभी पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, एनजीओ के प्रतिनिधिगण, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगणों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो इस मीटिंग में पधारे और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। सर्वाधिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।